हाजीपुर में भोजन बैंक और हिंदू जागरण मंच की ओर से गरीब असहाय मजदूरों के बीच जरूरत की सामग्री वितरित की गई। हाजीपुर में महुआ बाजार के गोविंद नगर मोहल्ले में भोजन बैंक और हिंदू जागरण मंच के संयुक्त तत्वाधान में लगभग 1000 गरीबों, जरूरतमंदों और प्रवासी मजदूरों के घर घर जाकर उप संगठन के लोगों ने भोजन के पैकेट वितरित किए। हिंदू जागरण मंच के प्रदेश संयोजक सह भोजन बैंक के जिला संयोजक विनोद यादव के नेतृत्व में सर्वप्रथम अपने कर कार्यकर्ताओं के बीच सैनिटाइजर का वितरण कर उन्हें सैनिटाइज कराया गया और इसके उपरांत महुआ के विभिन्न भागों में कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर भोजन के पैकेट वितरित किए। इस दौरान प्रदेश संयोजक विनोद यादव ने HBN न्यूज संवाददाता से वार्ता के दौरान सन्नी गुप्ता हत्याकांड के आरोपियों की फांसी दिए जाने की मांग की है और उनके परिजनों को 1 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि देने की भी मांग की। कुटुंबकम इति अस्माकम नीति और गरीबों के भूखे और गरीबों के दिलों में भगवान बसते हैं, इसी कथन को चरितार्थ कर रहे हैं हमारे भोजन बैंक के पदाधिकारी और हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता जो दिन रात एक कर गरीबों के बीच भोजन पहुंचा रहे हैं। हमारे बीच अभी अभी हॉटलाइन पर जुड़ेंगे हिंदू जागरण मंच के प्रदेश अध्यक्ष शाह भोजन बैंक के संयोजक विनोद यादव जी, जानते हैं क्या व्यवस्था की है उन्होंने भूखे गरीबों और जरूरतमंदों के लिए, आइए जानते हैं। विनोद यादव जी, आपका HBN न्यूज में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि भोजन बैंक क्या व्यवस्था कर रही है जरूरतमंदों के बीच, कैसे लेकर जा रही है खाना, कैसे पहुंचा रही है। वसुधैव कुटुंबकम इति अस्माकम नीति जो हमारी परंपरा रही है, उस परंपरा को कैसे आगे बढ़ा रही है बताएं। हिंदू जागरण मंच पिछले लॉकडाउन के अगले दिन से ही प्रत्येक दिन 5 से 6 हज़ार लोगों का भोजन बनवाना और उसका वितरण करना ये प्रारंभ किया और इसमें 5-6 स्थानों पर भोजन बन रहा है। जैसे महुआ के अंदर ये जय गुरुदेव जी का आश्रम है, वहाँ पर भोजन बन रहा है। हरपुर चौक पर चंद्रिका झा जी का दरवाज़ा है, वहाँ बन रहा है। और आज आप देख रहे हैं कि इस मोहल्ले में भी अलग अलग समय पर यहाँ पर जो है अपने व्यावसायिक समाज के लोग, प्रोफेसर अरुण जी हैं, बाकी लोग हैं, यहाँ बन रहा है। ऐसे करके कुल मिला के 4-5 जगह, प्रत्येक जगह कहीं 50 किलो 1 क्विंटल, ऐसे करके 5,000 लोगों का भोजन देते हुए आज हमारा 43वां दिन है। लगभग एक आकलन है कि 2,15,000 लोगों का भोजन हिंदू जागरण मंच ने बना करके घर घर तक पहुंचाया है, जिसमें मूल रूप से हम लोग उन लोगों को टारगेट कर रहे हैं जो अस्पताल में हैं, जो सड़कों पर फंसे हुए हैं, ठेला वाले हैं, रिक्शा वाले हैं, बिहारी मजदूर हैं, वो मोची समाज है, वो कहीं कहीं पर जो है वो सब्जी बेचने वाले लोग हैं। ऐसे महुआ के सभी सड़कों पर, हाजीपुर के सभी सड़कों पर ये घूम घूम कर प्रत्येक दिन रामसी चौक, पासवान चौक, गांधी सेतु, हाजीपुर का जो मुख्य अस्पताल है उस अस्पताल में, अनवरपुर चौक, ये दिन में बटता है। लेकिन अब हाजीपुर के अंदर रात में भी बड़ी संख्या में लोग फुटपाथ पर देखे जा रहे हैं। तो पिछले 15 दिनों से गांधी आश्रम और दिग्घी के हर घर से तैयार भोजन हनुमान मंदिर गांधी आश्रम पर इकट्ठा रहा है और उसकी संख्या लगभग 700-800 से 1,000 पैकेट होती है। और सड़कों पर घूम करके जो लोग जहां बैठे मिलते हैं, भिखारी हैं, कोई पागल है, कोई गरीब है, कोई रिक्शा है, ठेला वाले हैं, तो घरों से बना हुआ भोजन भी हाजीपुर में नियमित बांटा जा रहा है। एक बात बताएं, जहां तक हमें जानकारी मिली है, फुलवरिया का एक प्रवासी मूर्तिकार का एक परिवार है, राजस्थान का, वो लोग भी अपने इस महुआ की धरती को अपना कर्म भूमि मान चुके हैं जी। उनके लिए आप लोगों ने क्या व्यवस्था की? शुरू में हम सबको पता नहीं चला था
लेकिन प्रशासनिक स्तर पर भी और समाज सेवियों ने जब बताया कि राजस्थान पाली से वो लोग आकर के यहाँ पेरिस ऑफ प्लास्टर की मूर्ति बनाते हैं, तो स्वाभाविक है भुखमरी के शिकार है, उनके पास राशन कार्ड है नहीं। इस अवस्था में हम लोग को जैसे ही सूचना मिला उस दिन से कंटिन्यू आज 15 से ज़्यादा दिन हो गए उनके लिए बना हुआ भोजन प्रत्येक दिन दिन का भोजन भेज रहे हैं। मंगरू चौक पर आप जाएंगे तो मंगरू चौक पर हम लोग पहले समझते थे कि ये जो है घुमंतू जाति के लोग हैं, लेकिन सुनकर बड़ा दुख भी हुआ कि वो कानू समाज के लोग 40 की संख्या में सिलौटा लोरी कूट करके अपना जीविका चलाते हैं और एक इंच जमीन नहीं है उनके पास, वो सरकारी ऐसी सड़क के किनारे प्लास्टिक तान कर उसमें अपना जीवन यापन करते हैं। उनके संबंध में संयोग से विशेश्वर जी ने हम सबको जानकारी दी कि ये लोग भुखमरी के शिकार हो गए हैं। तो उस दिन से प्रत्येक दिन हमारे नंदन कानू जी और बाकी के सब से यहाँ के समाज के कार्यकर्ता लोग मिल करके उनका भोजन प्रत्येक दिन ये जो वितरण हो रहा है उनके यहाँ पूरी पैकेट भेजी जा रही है। ऐसे ही आप देखेंगे तो यहाँ पर कुछ है, मल्लिक टोला है, कन्हौली के अंदर है, मल्लिक टोला चक मजाहिद के अंदर है, बुचर खाना जो पहले चलता था उसके पास का टोला है। ऐसे आप देखेंगे तो रानी पोखर के पास जो ये सब मध वगैरह छोड़ाने वाली जातियाँ होती हैं उनके यहाँ भी अदा कदा सब लोग भोजन पहुँचा रहे हैं। कुल मिला करके 5-6 हज़ार लोगों का भोजन देना, और अब इसके साथ साथ इसमें एक कमिटी जो बनी है जो जिन लोगों ने दिया है, तो ये भोजन बैंक के चेयरमैन के रूप में डॉक्टर अजय कुशवाहा जी ऐसे व्यक्ति मिले जिन्होंने संकल्प किया हुआ है कि चाहे जितनी सब्जी लगे यहाँ परसौनिया हाट से प्रत्येक दिन निःशुल्क सब्जी वहाँ से आ रही है। तो इसके अध्यक्ष वही हैं और हमारे महामंत्री के रूप में जय गुरुदेव संस्थान के श्री विशेश्वर महतो जी हैं, और ऐसे उपाध्यक्ष के रूप में हमारे जो इसमें अन्य कार्यकर्ताओं के जो नाम आए हैं उसमें उपाध्यक्ष के रूप में हमारे प्रोफेसर अरुण जी, अंजू जायसवाल जी, बैद्यनाथ राय जी, और इस भोजन बैंक के मंत्री हैं पवन पासवान जी, जितेंद्र झा जी, अमर कुशवाहा, चंद्रभूषण राय, कृष्ण किशन जी, शत्रुधन राय जी, धर्मेंद्र कुमार यादव जी, विनय ठाकुर जी, राम सिंह आसन जी, महेश राय, विजय कुमार जी, सत्येंद्र कुमार जी, रंजीत जी और सत्येंद्र प्रसाद यादव जी, शत्रुधन राय जी, रमेश उपाध्याय जी। इसके साथ ही जिन लोगों ने भोजन बैंक में बहुत सारा अनाज भेजा है, ऐसे भेजने वाले जो संरक्षक हैं उसमें है शंकर वर्मा जी, शत्रुधन राय दूध सेंटर, भागवत राय प्रधानाचार्य, तरनी प्रसाद गुप्ता, मनोज गुप्ता, मनोज जायसवाल, मदन शर्मा, बंटी मिश्रा, मुन्ना सरकार, भूषण राय, शिव कुमार जी, और हमारे ब्रह्मचारी जी हैं ये हाजीपुर में जढ़ुआ में इनका मठ है, ऐसे ब्रह्मचारी जी, अनिल सिंह, जगन्नाथ सिंह, पप्पू बाबू पैक्स अध्यक्ष, जयमंत कुमार सिंह, हरिवंश ठाकुर, सुबोध ठाकुर, गोलू कुमार श्रीवास्तव और पूज्य गोसाई प्रेमचंद दास जी, ऐसे ये सारे लोग हैं। और इसके बाद भी अभी 17 तक लॉकडाउन है और इस 17 तक का भोजन हमारे पास पहले से ही आकर के अब जमा हो गया है, जितना लंबा खींचेगा हम सब भोजन देने को तैयार हैं। सन्नी गुप्ता हत्याकांड के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सन्नी गुप्ता जी के संबंध में मालूम हुआ था कि सरकार के स्तर पर कोई प्रयास नहीं हो रहा है, और जैसे ही मालूम हुआ कि वहाँ पर मोहम्मद चांद नाम का एक अपराधी जो एकदम लिस्टेड अपराधी है वो उनके घरों में घुसकर उसको गोली मारा, उसकी चश्मदीद उनकी पत्नी है, लेकिन ये बात को वहाँ के जो थाना प्रभारी हैं वो भी अल्पसंख्यक है सनोवर खां साहब, उन्होंने इसको लीपापोती किया। जैसे ही हम सबको मालूम हुआ तो महुआ के अंदर सबसे पहले हम लोगों ने एक तरह से श्रद्धांजलि देते हुए और इस कार्यक्रम को शुरुआत किया। हाजीपुर के अंदर गांधी आश्रम में सामाजिक कार्यकर्ताओं ने एक विराट श्रद्धांजलि की और हम लोग व्हाट्सएप के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए इसका जागरण कर रहे हैं, और मुझे अब खुशी है कि इस काम में जस्टिस फॉर सन्नी गुप्ता ऐसे करके एक मूवमेंट भी चला है। मुझे अब विश्वास है कि इस आवाज़ को दबा नहीं सकेगी बिहार की सरकार, क्योंकि मेरा मानना है कि बिहार की सरकार में अच्छे लोग के होते हुए भी सन्नी गुप्ता के विषय पर तुष्टिकरण की गई एक वर्ग को बचाने का, लेकिन वो वर्ग बचेगा नहीं। हम सबका मांग है कि सन्नी गुप्ता के हत्यारों को फांसी की सजा हो और उसका स्पीडी ट्रायल चले, प्लस उनके जो विधवा हैं उनको 1 करोड़ रुपए की राशि दी जाए, और उनके जमीन को कब्जा करने के लिए वहाँ जो ऐसे ISI के एजेंट लोग बैठे हुए हैं वो लैंड जिहाद चलाते हैं, उनका नज़र उनकी संपत्ति पर है। तो हम लोग लोगों को जागरण कर रहे हैं और उनके संपत्ति को बेचने नहीं देंगे, और पटना सिटी में भी जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा हम लोग वहाँ जा कर के भी अभियान चलाएंगे, आंदोलन चलाएंगे, और जब तक न्याय नहीं मिले चुप नहीं बैठेंगे।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद विनोद यादव जी एटीएन न्यूज से जुड़ने के लिए। अभी अभी एटीएन न्यूज चैनल के हॉटलाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ भोजन बैंक के जिला उपाध्यक्ष प्रोफेसर अरुण जी। जानते हैं क्या व्यवस्था की गई है भोजन बैंक के द्वारा, जानते हैं इनके जुबानी बताएं प्रोफेसर अरुण जी। कि जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है उसके कल होकर के ही हम लोगों ने भोजन बैंक के रूप में यहाँ के जो भी पेपर विक्रेता लोग हैं, हॉकर लोग हैं, उनको देना शुरू किए। कच्चा अनाज देने, आटा चावल दाल साबुन तेल मसाला सब दिए। महुआ फुलवरिया और रानी पोखर उन लोगों को बंटवाने का काम किए। कुछ लोकल लोग थे उनको भी बंटवाने का काम किए। उसके बाद प्रत्येक दिन यहाँ जो भी रोड पर चलने वाले मजदूर हैं, ठेला वाले हैं या हॉस्पिटल के लोग हैं या मंगरू चौक पे कुछ झुग्गी झोपड़ी वाले लोग हैं, मल्लिक समाज के लोग हैं या राजस्थान के लोग हैं, सब लोगों को करीब 400 से 500 लोगों को प्रतिदिन महुआ से भोजन जाता है। जिसमें आज गोविंद नगर महुआ में दूसरा दिन है भोजन का और आने वाला 17 तक में हो सकता है कि और एक आध दिन चले। प्रत्येक दिन सब लोगों का सहयोग मिल रहा है, पूरे समाज के सहयोग से यह भोजन बैंक निरंतर जब तक लॉकडाउन रहेगा, 17 के बाद भी अगर लॉकडाउन की अवधि बढ़ती है तो हम लोग का प्रयास रहेगा कि तब तक लोगों को भोजन उपलब्ध करा दें, कोई भूखा नहीं रहे। और ऐसे भी जो भोजन बैंक में जो वास्तव में भूखा है रोड पर चलने वाले लोग हैं, हम लोग को जानकारी होती है तो हम लोग प्रयास करते हैं कि उनको भोजन की व्यवस्था समाज के द्वारा कहीं से भी उपलब्ध कराने का प्रयास करें। सन्नी गुप्ता हत्याकांड के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप, क्योंकि आप कानून समुदाय से आते हैं, क्या कर रहे हैं उनको जस्टिस दिलाने के लिए आप लोग? अभी लॉकडाउन की अवधि चल रही है इसलिए वहाँ पर हम लोग नहीं पहुँच पाए हैं, लेकिन 3 तारीख से ही हम लोग तो पहले ही दिन करीब 2 तारीख को ही यहाँ महुआ में एक सभा किए थे, श्रद्धांजलि सभा किए थे और दोषियों को फांसी दिलाने एवं उनको आश्रितों को मुआवजा दिलाने के लिए संघर्षरत है। 3 तारीख को व्यापक पैमाने पर लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है, जो जहां है वहीं से घर से ही लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है और यह विरोध पूरे बिहार में एक तरह के क्रांति लाएगा और जो अपराधी हैं वो बच नहीं पाएंगे, उनको निश्चित फांसी की सजा होगी और सन्नी गुप्ता के परिवार के साथ न्याय होगा। एसबीएन न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए आपका हार्दिक साधुवाद। एसबीएन न्यूज आपको हार्दिक साधुवाद देती है। बने रहिए हमारे एचबीएन न्यूज पर। कैमरा पर्सन राजेश के साथ राहुल कुमार, एचबीएन न्यूज हाजीपुर।